तो पंजाब ने मेरा साथ दिया, कहा कि बेटा आ जाओ, तुम्हें कभी हम भूखे नहीं सोने देंगे। पंजाब ने बुलाया मुझे, कहा कि आ जाओ जितेंद्र, तुम्हारी आवश्यकता, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन पंजाब ने मुझे बुलाया, कहा कि बेटा आओ, तुम्हारी आवश्यकता पंजाब में है और तुम्हें हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम। हम तो गए, परमात्मा तुम्हारी और रक्षा करे। क्या बताएं अंकल जी, चलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ पंजाब में और पंजाब में रोपड़ है, और ऐसे ही था, आप लोग जानते हैं जितेंद्र कहीं ना कहीं रहता है तो पूरा फात करता ही रहता है। तो ये अंकल जी हैं, अंकल जी हमको देख रहे थे कि यार दोनों हाथ नहीं है, कैसे जीता होगा, जीवन यापन कैसे करता होगा। आप लोग धीरे धीरे तो जान चुके हैं कि जितेंद्र कैसे जीवन यापन करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, और ऐसे में अंकल जी हमसे जुड़ गए हैं। और अंकल जी जब हमको देखे तो पूछे कि जितेंद्र ये हाथ कैसे बट गया, मतलब ये कैसे कट गया। तो मैंने बताया बचपन में था 11,000 वोल्टेज का, आप लोग जानते हैं 11,000 वोल्टेज के बिजली के चपेट में आने से जितेंद्र के दोनों हाथ कट गए, और आज आप लोग के प्यार आशीर्वाद से मतलब यहाँ तक है। पंजाब ने बहुत प्यार दिया, जब मेरे पास नमक रोटी नहीं था, मतलब नमक रोटी के चक्कर में मैं बहुत परेशान था, तो पंजाब ने मेरा साथ दिया, कहा कि बेटा आ जाओ, तुम्हें कभी हम भूखे नहीं सोने देंगे। पंजाब ने बुलाया मुझे, कहा कि आ जाओ जितेंद्र, तुम्हारी आवश्यकता, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन पंजाब ने मुझे बुलाया, कहा कि बेटा आओ, तुम्हारी आवश्यकता पंजाब में है और तुम्हें हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम भूखे सो। एक जमाना हुआ करता था कि स्टेशन पे मैं एक एक सप्ताह ऐसे ही रह जाता था, रोता था, गाता था, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस उनको याद करता था कि हे महाराज, कौन आएगा जो जितेंद्र के लिए हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि बेटा मैं हूँ, कोई नहीं होगा तो मैं। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा अंकल जी भाव खो चुके, कहीं ना कहीं है आप लोगों का प्यार है। क्या लगा अंकल जी, क्या लगा, मतलब हमें मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो गए, परमात्मा तुम्हारी और रक्षा करे। क्या बताएं अंकल जी, चलो ऐसे मतलब है, क्या बताएं, चलते रखे रहिए ऐसे है, किसको क्या कहा जाए। अंकल जी भाव पूछे, देखिए इंसानियत, लोग कह रहे हैं कि कलयुग में इंसानियत ख़त्म हो गया है, अभी इंसानियत ख़त्म हुआ नहीं है, ऐसे लोग हैं जो जितेंद्र के लिए खड़े होंगे और कहेंगे जितेंद्र रुकना नहीं है बेटा, तुझे लड़ना है, इस समाज से लड़ना है, जितेंद्र लड़ेगा, जैसे भी होगा मैं लड़ूंगा। और आप जैसे लोग ने बहुत कुछ दिया है जितेंद्र को, बहुत कुछ दिया है और आप लोग दे रहे हैं। आए चाचा जी जो भी रहा, मतलब कुछ हेल्प किए, मेरा पैकेज में डाले और इसको मैं कहे कि हमारे तरफ से इसको ग्रहण कर लीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितेंद्र कभी मांगा नहीं है, मांगा सिर्फ ऊपर वाले से है कि मुझे दो। इंसान तो एक होता है, लेकिन इंसान में ही लोग भगवान हो जाते हैं, और जितेंद्र की भावना को सिर्फ भगवान समझ सकता है, मेरी भावना को सिर्फ भगवान समझता है, इंसान क्या समझ पाएगा। वही भगवान आप में आज वर्जित थे, इसलिए आपको लग रहा है कि आपने समझा और मेरे सामने आए। चलो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ, थोड़ा सा दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। तमाम ऐसे खबरों के साथ फिर मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा, चूंकि हमेशा जितेंद्र रूबरू होता रहा है और होता रहूँगा, कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार है जो आप लोग से दूर नहीं होने देता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा, अच्छा लगा।